हेलो गाइस, तो नया टैबलेट लेने का सोच रहे हो और वो भी 15,000 रुपीज के अंडर, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको ऐसे टॉप 5 बेस्ट टैबलेट बताऊंगा जो 1,500 रुपीज के अंडर आ जाएंगे और वो आपके लिए बेस्ट भी रहेंगे। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी एंड वेलकम टू माई चैनल टेकी ट्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टैबलेट्स की 15,000 रुपीज के अंडर, तो मैंने कुछ मिनिमम स्पेसिफिकेशन कंसिडर करी है, क्योंकि हमें हर कोई टैबलेट तो लेना नहीं है, हमें अच्छी कंपनी का ही टैबलेट लेना है। और साथ ही में अगर हम 15,000 रुपीज तक का खर्चा कर रहे हैं, तो हमें 10 इंच तक की डिस्प्ले तो उसमें मिनिमम देखने को मिलनी चाहिए, और 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलनी चाहिए मिनिमम कम से कम। और मैंने इसमें कुछ टैबलेट 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज वाले भी कंसिडर किए हैं। और प्रोसेसर की बात करें तो हमें अच्छा खासा प्रोसेसर भी देखने को मिलना चाहिए। और वहीं हम बात करें एंड्रॉयड वर्जन की, तो मिनिमम हमें एंड्रॉयड 11 तो उन टैबलेट्स में देखने को मिले ही सही, और एंड्रॉयड 12 मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए ही मैंने इन टैबलेट्स को कंसिडर किया है, और सारी अच्छी कंपनी के है। तो जो भी टैबलेट इन पांचों में से आपको पसंद आए, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। तो पांचवें नंबर पर जो हमारे पास में टैबलेट आता है वो है नोकिया का T20। अगर हम बात करें इस टैबलेट की, तो इसकी प्राइस हमें अभी 16,000 रुपीज तक की देखने को मिल रही है, और वही कार्ड ऑफर्स के साथ में ये हमें 15,000 रुपीज के अंडर देखने को मिल जाएगा। 14,000 से 14,500 तक की हमें इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर हमें 4 GB की रैम, 64 GB की रोम देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अंदर हमें 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 8200 mAh की एक बड़ी अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है, और साथ ही में एंड्रॉइड 11 भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें 10.36 इंच की एक 2K डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, और साथ ही में यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। अगर ये वाला प्रोसेसर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर आता है, ये प्रोसेसर उसके अराउंड ही होता है। यूनिसॉक का आता है प्रोसेसर, यूनिसॉक भी एक प्रोसेसर बनाने की ब्रांड है, जैसे कि मीडियाटेक है, स्नैपड्रैगन है, वैसे यूनिसॉक के भी प्रोसेसर आते हैं, मीडियाटेक के हीलियो G80 प्रोसेसर के आसपास होता है। तो ये प्रोसेसर भी अच्छा है, आप इस टैबलेट को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको नोकिया ब्रांड पे विश्वास है तो आप इस टैबलेट को भी कंसिडर कर सकते हो। वैसे आपको बार बार जाके कहीं पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इन सारे टैबलेट्स की बेस्ट बाइंग लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहां से डायरेक्टली इसके स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हो और लोगों के रिव्यूज भी चेक कर सकते हो, और साथ में अगर आपको खरीदना हो तो आप वहीं से डायरेक्टली इसे खरीद भी सकते हो। तो चौथे नंबर पर जो हमारे पास में टैबलेट आता है वो है सैमसंग का Tab A8। हम बात करें इसकी प्राइस की, तो ये अभी हमें 13,500 तक की MRP पे दिखने को मिल रहा है, और साथ ही में अगर हम बात करें कार्ड ऑफर्स के साथ में, ये हमें 11,000 से लेके 12,000 तक का देखने को मिल जाएगा। तो आप इस टैबलेट को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर हमें 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ ही में इसके अंदर हमें एक 10.5 इंच की फुल HD प्लस बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अंदर अगर हम बैटरी की बात करें तो 7040 mAh की एक अच्छी खासी बैटरी भी देखने को मिलती है, और ये हमें एंड्रॉइड 11 पे देखने को मिलता है। अगर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा 8 MP का और फ्रंट कैमरा 5 MP का देखने को मिलता है। तो जिन लोगों को सैमसंग कंपनी का टैबलेट खरीदना है, सैमसंग का ही टैबलेट खरीदना है, तो वो इस वाले टैबलेट को कंसिडर कर सकते हो। ये भी एक अच्छा खासा टैबलेट है। तो जैसा मैंने बताया, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बाइंग लिंक से वो डाल रखी, वहां से आप डायरेक्टली खरीद भी सकते हो और स्पेसिफिकेशन और रिव्यूज भी देख सकते हो। तो तीसरे नंबर पर जो हमारे पास में टैबलेट आता है वो है रियलमी का रियलमी पेड। ये हमें नियर अबाउट 14,000 तक का देखने को मिल रहा है, कार्ड ऑफर्स में ये 13,000 तक का भी देखने को मिल सकता है। वैसे अगर और भी सेल आती है कोई तो उसमें ये और भी सस्ते हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर हमें 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। साथ ही में अगर हम बैटरी की बात करें तो 7100 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और साथ ही में इसके अंदर हमें 8 MP का रियर कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, और 10.4 इंच की एक फुल HD प्लस बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। तो रियलमी का टैबलेट खरीदना है तो आप इस टैबलेट को भी कंसिडर कर सकते हो। ये भी एक अच्छा टैबलेट है, इस रेट के अंदर आप इस टैबलेट की तरफ भी जा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास में टैबलेट आता है वो है ओप्पो पैड एयर। इसकी अगर हम MRP की बात करें तो ये अभी हमें 16,000 तक का देखने को मिल रहा है, कार्ड ऑफर्स के साथ में ये 14,000 से लेके 15,000 तक का आपको देखने को मिल जाएगा, सेल में थोड़ा और भी सस्ता देखने को मिल सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी।
इसके अंदर हमें 7100 एमएच की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, 10.36 इंच की एक 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही में इसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा और स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा खासा टैबलेट है, ओप्पो कंपनी भी अच्छी है, तो इस टैबलेट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कोई सेल आए तो आप उस समय आसानी से इन टैबलेट को थोड़ी सस्ती प्राइस में देख सकते हो। वैसे मैं अगर बात करूँ प्राइस की तो प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है, कभी ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है तो कभी थोड़ा सस्ता भी हो सकता है। तो जब भी कोई अच्छी खासी सेल आए या जब भी आपको अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिले तब आप इन्हें कंसिडर कर लीजिएगा, तब आप इन्हें खरीद लीजिएगा ताकि ये आपको थोड़े कम दाम पे मिल जाए। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास में टैबलेट आता है वो है मोटो का G62। तो ये भी अभी हमें 16,000 तक का देखने को मिल रहा है। अगर हम कार्ड ऑफर्स की बात करें तो 14,000 से लेके 15,000 तक का देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हमें 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 10.6 इंच की 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 7700 एमएच की एक अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर और एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिल जाता है। तो मुझे ये एक ऑलराउंडर टैबलेट रखा तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट रैंक दे दी। बाकी तो जितने भी मैंने आपको टैबलेट बताए वो सारे इस रेट में बेस्ट ही टैबलेट्स में से, जो भी आपको टैबलेट पसंद आए और वो आपको सही एमआरपी पे देखने को मिल रहा हो, अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल रहे हो, तब आप उसे खरीद लीजिएगा और आप डायरेक्टली लिंक पर जाके और भी लोगों के रिव्यूज देख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।